अस्सलाम वालेकुम ये किताब आपके लिए काशान बसीरत के यूट्यूब चैनल की जानब से रिकॉर्ड की जा रही है किताब का नाम मकतब है मकतब अहलम अब हम किताब का पार्ट नंबर तीन पढ़ेंगे फ़सल सोम अदालत सहाबा का बकियाँ नंबर पाँच अकीदा तंजिया का असली सबब इसके बावजूद के अहाब की इस हद तक पाकिजगी का अकीदा रखना कि जो बाज़ लिहाज से इसमत के मुशाबे है ना तो कुरान मजीद में इसका हुक्कुम आया है ना अदीस में बल्कि कुरान सुन्नत और तारीख़ से इसके बरस मतलब साबित है हती कि कहा जा सकता है कि पहली सदी में इस किस्म का कोई अकीदा मौजूद नहीं था तो फिर देखना यह कि बाद वाली सदियों में ये मसला क्यों और किस दलील की बिना पर पेश किया गया है हमारे ख्याल के मुताबिक इस अकैदे के इंतार की चंद वजूहत थी नंबर एक अगर कमाल ले उसने जन से काम लिया जाए तो एक दफ एक वजह तो यही है कि जिसे सबका अबहास में जिक्र किया गया है बाद लोग गुमान करते हैं कि अगर साहिब कराम का तकद्दस पायमाल हो जाए तो इनके और पैगम्बर सल्ला वसम के दरमियान हल्के इतसाल टूट जाएगा क्योंकि क़ुरान मजीद और पैगम्बर अक्रम की सुनत इनके वास्ते से हम तक पहुँची है बिल लेकिन इस बात का जवाब बिल्कुल वाज है क्योंकि कोई भी मुसलमान माजअल्ला तमाम असहब को गलत और काजिब नहीं कहता है क्योंकि इनके दरमियान सक्का और मरूद इतमान अफराद कसरत के साथ थे वही बात अफ़राद हमारे और पैगम्बर अक्रम सल्हस के दरमियान हल्क़ इतिसाल बन सकते हैं जिस तरह हम शिया शहल बैतम अल्यमु... अल्यमु... के अहब के बारे में यही नज़रिया रखते हैं दिलचस्प बात यह कि बाद वाली सदियों में भी यही मुश्किल मौजूद है क्योंकि आज हम कई वास्तों के ज़रिए अपने आप को ज़माने पैगम्बर सल्ला वसम के साथ मुतसर करते हैं लेकिन किसी ने दावा नहीं किया कि तमाम वास्ते सक्का और सादे हैं और हर सदी के लोग बड़े मुक़दस थे और अगर ऐसा ना हो तो तो हमारा दिन मुतजल हो जाएगा बल्कि सब यही कहते हैं कि रिवायत को सक्का और आदिल अफराज़ से अखस करना चाहिए इल रजाल की कुतुब तहरीर करने का मकसद यही है कि सक्का को गैर सक्का से मुमताज़ किया जा सके तो अब क्या मुश्किल है कि अब कराम के बारे में भी हम वही तरीक़ा इस्तेमाल वही तरीक़ा वही तरीके अमल इख्तियार करें जो इनसे बाद वालों के बारे में इख्तियार करते हैं नंबर दो बाज़ लोग ये ख़याल करते हैं कि बाज़ा के बारे में जरा यानि इनके नकायज़ बयान करने और इन पर तनकीद करने से पैगम्बर पैगम्बर इस्लाम सल्ला वम के मकाम व मंजिलत में कमी वाक़ होती है इसलिए असहाब पर तनकीद जायज़ नहीं है जो लोग इस दलील का सहारा लेते हैं इनसे हमारा सवाल यह है कि क्या कुर मजीद ने पैगम्बर सल्ला वम के गद जमा होने वाले मुनाफिकीन पर शदीद तरीन हमले नहीं किए हैं क्या आजरत सल्ला वम के ख़ालस और सादक असहाब के दरमियान मुनाफिकीन की मौजूदगी की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कमी वाकई हुई है हरगज़ ऐसा नहीं है खुलासा ये है कि हमेशा और हर ज़माने में हती तमाम अम्बिया के ज़मानों में अच्छे और बुरे अफराद मौजूद थे और अम्बिया के मुकाम व मंजिलत पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था नंबर तीन अगर असाब के अमाल पर जरा व तनकीद का सिलसिला शुरू हो जाए तो बाज़ खुल खुलफा राजदीन की शख्सियत पर हरफ आता है इसलिए इनके तकदस की हिफाजत के लिए साहबा की कदासत पर ताकीद करना चाहिए ताकि कोई शख्स मसला हजरत उस्मान के उन कामों पर एतराज़ ना करे जो बैतुलमाल के बारे में और इसके अलावा इनके दौर हुकूमत में वक्ू पजी हुए और यह ना कहे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया यहाँ तक कि इस के केिब में माविया और इसके इकदाम जैसे कि इसने खलीफ रसूल सल्लाम हजरत अली की मुखालफत की और उनके साथ जंगे की और मुसलमानों के कत्ल आम को मौजिब बना की तोजी की जा सके और इस हथियार के जरिए ऐसे अफराद को तनकीद से बचाया जा सके अलबत् इससे ये पता चलता है कि इस कदासत वाले मसले की बुनियाद इब्तई सदियों के सियासतदानों ने रखी जिस तरह उन्होंने कलम उलिल की तफसीर हाकिम वक्त की ताकि आकीिम वक्त की ताकि बनु उमै और बनु अब्बास के जालिम, बनु अब्बास के ालिम उकाम की अताद को भी साबित किया जा सके नीज़ ये हु का सियासी प्रोगाम और अमल था हमारा ये ख्याल है कि ऐसी बातों से इनका मकसद सब सहाबा को बचाना ना था बल्कि अपने मौरूद नजर अफराद की हमायत मखसूद थी नंबर चार बाद लोग ये अकीदा रखते हैं कि अहब के तकदस का अकीदा कुरान मजीद और सुनत नबी के फरमान के मुताबिक है क्योंकि कुरान मजीद की बाज़ आयात और बादी में यह मसला बयान किया गया है अगरच यह बेहतरीन तोजी है लेकिन जब हम अदला की तहकीक करते हैं तो मालूम होता है कि इन आयात और रिवायात में जिस चीज़ को वो सबित करना चाहते हैं मौजूद नहीं हैं सबसे अहम आयत जिसको दलील के तौर पर जिक्र किया गया है मुंदरजा झेल आयत है सूरत तोबा आयत नंबर सौ महाजरीन और अनसार में से शब्कत करने वाले और जिन्होंने नेकी के साथ इनकी पैरवी की अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला इनसे राजी है और वो खुदा से राजी हैं और अल्लाह ताला ने इनके लिए बाग़ा तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं ये हमेशा इन में रहेंगे और ये बहुत बड़ी कामयाबी है अहल सुन्नत के बहुत से मुफसरन ने इस आयत के झेल में बाद सहाबा और पैगम्बर अकम सल्ला वसलम से हदीस नकल की है जिसका मजमून ये है कि जिसका दिलचस्प बात यह है कि मस्कूरा बाला आयत कहती है कि ताबीन इस सूरत में अहले निजात हैं जबकि जब नेकियों में साहबा की पैरवी करें ना बुराइयों में और इसका मफहूम ये है कि साहबा के लिए बहिष्ट की ज़मानत दी गई है क्या इसका मफहमूम यह कि वह गुनाहों में आज़ाद हैं जो पैगम्बर सल्ला वसम लोगों की हिदायत और असलाह के लिए आए क्या मुमकिन है कि वो अपने दोस्तों को इसना कर दे और इनके गुनाहों से चशम पोशी करें हालांकि क़ुरान मजीद अजवाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाता है कि जो सबसे नज़दीक सहाबियाँ थीं ए नबी की बीवियों तुम में से जो कोई बेहयाई और बुराई करेगी तो इसे दोहरी सज़ा दी जाएगी और ये बात अल्लाह के लिए बिल्कुल आसान है सुर एज़ाब आयत नंबर तीस काबिल तो नुक़ँ यह कि अगर इस आयत में किसी किस्म का इबाम भी हो तो इसे फ़तः की आयत नंबर उनतीस रफ़ा कर देती है क्योंकि ये आयत पैगम्बर अक्रम सल्हस के सच्चे असहाब की सफ़ात बयान कर रही है सूर फतः आयत नंबर उनतीस ये लोग कुफार के मुकाबले में शदीद और ज़बरदस्त हैं और आपस में मेहरबान हैं इन्हें हमेशा रुकू वजूद की हालत में देखोगे इस हाल में कि मुसलसल फ़जलों रजाई खुदा को रजाए खुदा को तलब करते हैं सजदे के आसार इनके चेहरों पर नुमायाँ हैं उन जिन्होंने जमल और सिफीन जैसी जंगों की आग भड़काई और इमाम वक्त के खिलाफ उठ खड़े हुए और हज़ारों मुसलमानों को कत्ल कराया क्या वो इन सात सिफात के मुत मजदाक थे क्या वो आपस में मेहरबान थे क्या इनके अमल की शिद्दत कुफ़ार के मुकाबले में थी या मुसलमानों के मुकाबले में अल्लाह ताला ने इसी आयत के जेल में एक जुमला इर्शात फरमाया है जो मकसद जो मकसूद को मजीद रोशन करता है सूर्य मायदा आयत नंबर नौ अल्लाह ताला ने इन तसाब में से जो ईमान लाए और अमाल सौले अंजाम देते रहे इनसे मफफरत और अजर अजीम का वादा दिया है पस वाज हो गया कि मफफरत और अजर अजीम का वादा सिर्फ़ इन लोगों के लिए जो बामान और अमाल सौले अनजाम देते हैं जिन लोगों ने जंग जमल में मुसलमानों को कत्ल किया और इस जैसी जंगों को भड़काया और हजरत उस्मान के दौर में बैतलम को हड़प किया वो क्या आमाल सौले अंजाम देने वाले थे काबिल तोज्जो बात यह कि अल्लाह ताली ने अपने उलम पैगम्बरों का एक तरक अल की खातिर मुआवजा किया हैज़रत आदम को एक तरक अला की खातिर बहिश से निकाल दिया हज़रतूनूस को एक तरक ओला की खातिर एक अरसा मछली के पेट में तीन अंधेरों में बंद रखा हज़रत सलाम को अपने गुनागार बेटी की सिफारिश पर तंबी की फरमाई तो अब क्या ये यकीन करने की बात है कि असाब पैगम्बर सल्हलम इस क़ानून से मुतसना है नंबर छः क्या तमाम असाब बगैर इस्तना के आदिल थे जैसा कि वो बयान किया गया है अक्सर बरदरान सुन्नत इस बात के कायल हैं कि तमाम सहाबा यानी जो पैगम्बर अक्रम सल्हलम के ज़माने में थे या जिन्होंने आप अलैहि वसल्लम के ज़माने को को पाया और कुछ अरसे तक आप के साथ रहे हैं बग़ैर किसी इसना के मकाम अदालत पर फ़ाइज थे और कुर मजीद इसी बात की गवाही देता है मकाम अफसोस ये कि इन भाइयों ने क़ुरान की कुछ इन कुछ उन आयात को जो उनके नफ़े में थी कबूल कर लिया है लेकिन दूसरी आयात से उन्होंने चशम की है उन आयात से जिनमें इस बात से इसतना मौजूद है जैसा कि वाजह है कि हर मूम के लिए आम तौर पर इसतना मौजूद होता है हम अर्ज़ करेंगे कि ये कैसी अदालत है जिसके खिलाफ़ कुरान मजीद ने बारह गवाही दी है मिन जुमला सूर्य इमरान की आयत नंबर एक सौ पचपन में में बयान होता है कि इस आयत में इन लोगों की तरफ इशारा किया गया है जो जंग वहद के दिन फरार कर गए और पैगम्बर अक्रम सलाम को दुश्मन के मुकाबले में तनह छोड़ गए थे आयत फरमाती है जो लोग दो लश्करों के रूबरू हुए रूबरू होने वाले दिन यानी जंगी अहद में फरार कर गए थे शैतान ने इन्हें इनके बास गुनाहों की वजह से बहका लिया अल्लाह ताला ने इन्हें माफ कर दिया चूँकि अल्लाह ताली बख्शने वाला और बुरदबार है इस आयत से बखूबी वाजह हो जाता है कि उस दिन एक ग्रोह फरार कर कर गया था और तारीख़ में इस गिरोह की तादाद बहुत ज़्यादा ज़िक्र की गई है और दिलचस्प ये है कि कुरान मजीद कहता है शैतान ने इन पर गलबा किया और ये गलबा इनके उन गुनाहों की वजह से था जिसके वो पहले मरतकब हो चुके थे इससे पता चलता है कि सबका गुना एक बड़े गुनाह यानी ग़बे से फ़रार और मैदान और दुश्मन से पुष्ट करके फ़रार करने का मौजब बने अगरच आयत का जेल ये है कि अल्लाह ताला ने इन्हें बख्श दिया यह बख्शिश परवरदिगार पैगम्बर अक्रम सला वसम की वजह से थी इसका यह मतलब नहीं कि वह आदिल थे और उन्होंने गुना नहीं किया बल्कि सराहत के साथ कुरान मजीद फरमा रहे कि उन्होंने मुतद गुना किए यह कैसी अदालत है कि अल्लाह तालन मजीद में सुर हजरात की आयत नंबर छः में बास को फासिक के उनवान से याद कर रहा है ए ममान वालों अगर कोई फासिक तुम्हारे पास ख़बर लेकर आए तो इसके बारे में तहकीक करो कहीं ऐसा ना हो कि ला इल्मी में तुम लोगों किसी को नुकसान पहुंचा बैठो और फिर बाद में अपने किए पर पशेमान हो मुफसरन के दरमियान मशहूर कि ये आयत वलीद बिन उबा के बारे में नाजिल हुई है पैगम्बर अक्रम सल्हलम ने उसे एक जमात के साथ बनीुल मुस्तलक कबीले के पास जकवात की जमा आवरी के लिए भेजा वापसी पर वलीद ने कहा कि वो जकवात नहीं देते और इस्लाम के ख़िलाफ़ उन्होंने क्याम कर लिया है मुसलमानों के ग्रोह ने वलीद की बात पर यकीन कर लिया और इस कबीले के साथ जंग के लिए तैयार हो गए हो गए लेकिन सूर्य हजरात की ये आयत नाजिल हुई और मुसलमानों को खबरदार किया गया कि अगर एक फाख अगर एक फासिक आदमी खबर लेकर आए तो इसके बारे में तहकी कर लिया करो कहीं ऐसा ना हो कि इस झूठी खबर की वजह से तुम किसी कबीले को नुकसान पहुंचाओ और फिर बाद में अपने किए पर पशेमान हो इतफाकन तहकीक के बाद वाजे हुआ कि बनी मुशतलक कबीले के लोग मोमिने और वली के इस्तबाल के लिए बाहर रहते हैं ना इस्लाम और इसके खिलाफ क़्याम के लिए के लिए लेकिन चूँकि वलीद इनके साथ सबका साथ कबल इस्लाम दुश्मनी रखता था इसी अम्र का बहाना बनाकर वापस चला आया और गलत ख़बर पैगम्बर अक्रम की खिदमत में पेश कर दी वलीद साहिब सहाबी पैगम्बर था यानी इन अफराद में से था जिन्होंने पैगम्बर अक्रम के ज़माने को पाया और आपकी ख़िदमत में रहे जबकि कुरान मजीद इस आयत में उसे फासिक बता रहा है क्या ये आयत तमाम असहब की अदालत वाले नजरिए के साथ साजगार है ये कैसी अदालत है कि बाज़ असहब असाब ज़कवात की तकसीम के वक्त पैगम्बर अक्रम पर एतराज करते हैं कुरान मजीद इनके इतराज़ को सूर तौबा आयत नंबर अट्ठावन में नक़ल फरमाता है इनके दरमियान ऐसे लोग भी हैं जो गायम की तकसीम में आप पर एतराज़ करते हैं अगर इन्हें इसमें से कुछ अता किया जाए तो राजी हैं और अगर ना दिया जाए तो गुस्से में रहते हैं क्या इस किस्म के अफराद आदिल हैं ये कैसी अदालत है कि सुरह एजाब की आयत नंबर बारह और तेरह में जंग एसाब की मंजरकशी करते हुए फरमाता के बाद मुनाफिकीन और बीमार दिल लोग जो पैगम्बर की खिदमत में थे और उन्होंने जंग में शिरकत की लेकिन पैगम्बर पर फरीबकारी की तहमत लगाई खुदा और रसूल ने हमें साफ और खुदा और रसूल ने हमें सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे दिए हैं इनमें से ख्याल करते हैं कि इस जंग में पैगम्बर को शिकस्त होगी और एहतिमालान एहतिमालान वो कत्ल हो जाएंगे और इस्लाम की बसात लबेट दी जाएगी सुर एजाब आयत नंबर बारह यह इन रिवायात के मुताबिक जिन्हें शिया सुन्नी ने नकल किया है यह मालूम होता है कि खंदक खोदने के दौरान एक पत्थर मिला जिसे आपने तोड़ा और मुसलमानों को शाम ईरान और यमन की फतह का वादा दिया तो एक गरोह ने आ हजरत की इस बात पर इस बात का मजाक उड़ाया क्या ये असाब नहीं थे और इससे ज़्यादा अजीब बात को बाद वाली आयत बयान कर रही है कि इनमें से एक गिरोह ने मदीने के बाद लोगों को जो जंग में हाजिर हुए थे मुखातब करके कहा मुखातिब करके कहा ये तुम्हारे ठहरने की जगह नहीं है अपने घरों को वापस चले जाओ और फिर एक गिरोह आ हज़रत की खिदमत में आया और मैदान एहज़ाब से फरार करने के बहाने बनाने लगा इसी आयत में यूँ इर्शाद हुआ इन में से एक गिरोह पैगम्बर अक्रम की से वापसी की इजाज़त मांगता था और कहता था कि हमारे घर अकेले हैं लिहाजा हमें इजाज़त दीजिए ताकि अपने घरों की हिफाजत के लिए वापस मदीने चले जाएँ ये लोग झूठ बोल रहे थे इनके घर अकेले नहीं थे ये सिर्फ फरार का बहाना तलाश कर रहे थे अब खुद ही फर्श फैसला कीजिए हम कैसे इन तमाम अमूर से चशमपोशी कर लें और इन पर तनकीद को जायज़ ना समझें इन सबसे बदतर बाज़ असाब का पैगम्बर अक्रम की तरफ ख्यात की नस्बत देना है और कुरान मजीद ने सूर्य इमरान की आयत नंबर एक सौ इकसठ में इसे मुनदस किया है मुमकिन नहीं कि कोई नबी ख़यानत करे और जो कोई ख़यानत करेगा क़यामत के दिन जिस किस्म की ख़यानत की होगी इसे अपने साथ देखेगा फिर हर एक को इसके अमाल का बदला दिया जाएगा और किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा यानी अगर सज़ा मिलेगी तो इनके अपने अमाल का नतीजा होगी इस आयत की दो इस आयत की दो शान नजूल बयान की गई हैं बाज ने कहा कि यह आयत अब्दुल्ला बिन अब अब्दुल्ल् बिन जुबेर के दोस्तों के बारे में नाजिल हुई कि वो जंग उहद में एन नामी मोर्चे में थे और जब जंग की इब्तदा में इस्लाम का लश्कर दुश्मन पर फतह पा गया तो अब्दुल्ला के हमारा अखीरअंदाज थे हालांकि रसूल खुदा ने फरमाया था कि तुम्हें अपनी जगह से हरकत नहीं करनी जबकि इस गिरोह ने अपना मोर्चा छोड़ दिया और गायम लूटने के पीछे दौड़ पड़े इससे भी बुरा अमल इनकी बातें थीं कहते थे कि हमें ख़तरा है कहीं रसूल रसूल खुदा हमारा हक हमें ना दें और इस किस्म के जुमले कहे जिन्हें लिखने से कलम शर्म महसूस करती है इबन कसीर और तिबरी ने इसी आयत के जेल में अपनी तफसीर में एक और शान नजूल को जिक्र किया है वो ये कि जंग बदर में कामयाबी के बाद एक सर्ख रंग का कीमती कपड़ा गुम हो गया बास कम अकल लोगों ने रसूल खुदा की रसूल खुदा को ख्यात से मुतह किया कुछ ही देर गुजरी थी कि कपड़ा मिल गया और मालूम हुआ कि लश्कर में मौजूद फ़ला शख्स ने उठा लिया था पैगम्बर अक्रम की तरफ़ से इस किस्म की नारवा नस्बतें देने के बावजूद क्या अदालत बाकी रहती है अगर हम अपने विजदान के साथ कजावत करें तो क्या कबूल करेंगे कि इस किस्म के अफराद आदिल और पाक व पाकिजा थे और किसी को इनके ऐसे कामों पर तनकीद करने का हक नहीं है हम इस बात का इनकार नहीं करते हैं कि पैगम्बर अक्रम के अक्सर असाब असाब वारान अक्सर असाब वारान बाव और बाकीज़ा इंसान थे लेकिन सब के लिए एक ही हुक्म लगा देना और सब पर तकवा और अदालत की कलई चढ़ा देना और इन पर किसी कस्म की तनकीद करने का हक़ हाँ सर्व कर देना एक इंतहाई अजीब बात है ये कैसी अदालत है कि एक इंसान जो जाहिरन पैगम्बर अक्रम के असाब में से है हमारा मकसूद ये है कि वसल्लम के अजमत साहबी हजरत करता है इन दो अहादीस की तरफ मुलायजा फरमाई है नंबर एक सही मुस्लिम में कि अहलोसन्नत की मोतबर तरीन किताबे यूं बयान हुआ है कि माविया ने सात बिन अबा से कहा कि क्यूँ अबू तराब अली अपने अबी तालिब पर सबोलान से परहेज़ करते हो इसने कहा मैंने पैगम्बर अक्रम से से उनके बारे में तीन फ़ज़ाइल ऐसे सुने हैं अगर वो मेरे बारे में होते तो मेरे लिए दुनिया की अजीम दौलत से ज़्यादा अहमियत रखते इसलिए मैं उन पर सब शितम नहीं करता सही मुस्लिम जिल नंबर चार सफ़र नंबर अट्ठारह सौ इकहत्तर किताब और इसी तरह किताब फ़त बारी फी शर सही बुखारी जल नंबर सात सफर नंबर साठ पर भी यह हदीस बयान हुई है वो तीन खसलतें ये हैं नंबर एक हदीस मंजिलत नंबर दो रायर गदा नंबर तीन आय मुबाहिला के माविया ने नंबर दो ल, फरीद में है कि जिसे अल-सुन्नत के बुज़ुर्ग आलम दीन इब्ने आब्द रब इंदलीसी ने तालीफ किया है। यूँ बयान हुआ है कि हज़रत जब इमाम असन सलाम की शहादत हुई इसके बाद माविया मक्के के बाद मद, मदीना आया इसका इरादा था कि मदीने में मंबर रसूल से हजरत अलीसम पर सब व शतम करे लोगों ने कहा साध बिन अभी वकास भी मस्जिद में है और हमारे ख्याल के मुताबिक वो तेरी इस बात को तहमुल नहीं करेगा और शदीद रड़े रड़े और शदीद रद्द अमल का इजहार करेगा लिहाजा किसी को इस उसके पास भेज कर उसकी नज़र मालूम कर लो माविया ने एक आदमी को साध के पास भेजा और इस मतलब के बारे में इस्तफार किया साध ने जवाब में कहा कि अगर माविया ये, ने यह काम किया तो मैं रसूल खुदा कि मस्जिद से बाहर चला जाऊंगा और फिर कभी भी मस्जिद नबवी में दाखिल नहीं होऊंगा। माविया ने यह पैगाम और रद्दमल सुनने के बाद सब से परहेज़ किया यहाँ तक के सात वफात हो गए सात की वफात के बाद माविया ने मिंबर से अली पर सब व शतम किया और अपने तमाम अहलकारों को हुक्म दिया कि मिंबरों से हजरत पर लानो सब करें उन सब ने भी यही काम किया इस बात का इस बात का जब जनाब उम्मे सलमा जोजय पैगम्बर को पता चला तो उन्होंने माविया के नाम में ख़त में यूं लिखा कि तुम क्यों मम्बरों से खुदा और रसूल पर सब व करते हो क्या तुम यूँ नहीं कहते हो कि अली और उसके चाहने वालों चा... उसके चाहने वालों और मोहब्बत करने वालों पर लाना तो मैं गवाही देती हूँ कि रसूल अल्लाह ताली हज़रतम से मोहब्बत करते हैं अल्लाह ताली हज़रतम से मोहब्बत करता है और रसूल खुदा अलैहि वसल्लम भी हजरत अली से बहुत मोहब्बत करते हैं पर हकीकत में तुम खुदा और रसूल पर सब वो लान करते हो माविया ने जनाब उम सलमा का खत पढ़ा लेकिन इसकी कोई परवाह ना की क्या इस किस्म के बुरे काम अदालत के साथ साजगार हैं क्या कोई आकिल या आदिल इंसान ये जरूरत कर सकता है कि हज़रतलीसम علی जैसी बाआज़मत शख्सियत को इस शर्मनाक अंदाज और इतने वसी पैमाने पर गालियाँ दे एक क्या मिंबर से इस शख्सियत पर लान करते हो जिसकी तलवार की बरकत से ये मिंबर कायम हुए हैं एक अरब शायर नंबर सात असाब पैगंबर की इक़साम रसूल खुदा के असाब को कुरान मजीद की गवाही के मुताबिक पांच असली गिरोहों में तकसीम किया जा सकता है नंबर एक पाक सवाले यह अफराध ममिन और, और बाखलास थे ईमान इनके दिल की गहराइयों में नफूज कर चुका था ये लोग राय खुदा में कलमा और इस्लाम की बुलंदी के लिए किसी किस्म के इशार और कुर्बानी से दरेख नहीं करते थे ये वही गिरोह है जिसकी तरफ सूर तोबा की आयत नंबर सौ में इरशाद हुआ है कि अल्लाह ताला इनसे राजी था और ये भी अल्लाह ताला के अल्ताफ पर राजी थे नंबर दो मोमिन मोमिन खताकार ये वो गिरोह है जो ईमान और अमले सहाले रखने के बावजूद कभी कभार लर्जिश का शिकार हो जाते थे और आमाली सवाले और ग़ैर साले को आपस में मखलूत कर देते थे और अपने गुनाहों का इतराफ़ करते थे इनके उफो व बख्शिश की उम्मीद है जैसा कि सूर तोबा की आयत नंबर एक सौ दो में पहले गिरोह को बयान करने के बाद अल्लाह ताला ने इस गिरोह का तस्करा किया है दूसरे कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपने गुनाहों का इतराफ़ किया है मगर उन्होंने नेक और बेबदमल गलत मलत कर दी कर दिए हैं बहुत मुमकिन है कि अल्लाह ताला इनकी तो इनकी तोबा कबूल करे और इन पर रहमत की नज़र डाले नंबर तीन गुनागार अफराद ये वो गिरोह है जिसके लिए कुरान मजीद ने फासिक का नाम इस्तेमाल फासिक का नाम इंतखब किया है कि अगर फासिक तुम्हारे लिए खबर लाए तो बग़ैर तहकीक के कबूल ना करना सूर्य हजरात की आयद नंबर छः में इस मतलब की तरफ इशारा हुआ है ए ईमान लाने वालों अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लाए तो तहक़ीक कर लो कर लिया करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी कौम को ला इल्मी में नुकसान पहुंचा दो और फिर अपने किए पर पछताओ इस आयत का मिजदाक शिया और सुनी तफासिर में जिक्र किया गया है नंबर चार जहारी मुसलमान ये वो लोग हैं जो इस्लाम का दावा करते थे लेकिन ईमान इनके दिलों में दाखिल नहीं हुआ था सूर्य हजरात की चौदहवीं आयत में इस गिरोह की तरफ इशारा हुआ है आरब सहराइज अरब कहते हैं कि हम ईमान लाए हैं इनसे कह कहिए कि तुम ईमान नहीं लाए बल्कि यूं कहो कि हम इस्लाम लाए हैं और ईमान तो अभी तुम्हारे दिलों में दाखिल हुआ ही नहीं है और अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करोगे तो वो करोगे तो वो अल्लाह तुम्हारे अमाल से कुछ भी कमी नहीं करेगा बेशक अल्लाह बख्श बड़ा बख्शने वाला बड़ा रहम करने वाला है नंबर पाँच मुनाफिकीन ये वो गिरोह है जो रूह निफाक के साथ मुसलमानों के दरमियान छुपे हुए थे कभी इनकी शनाख्त हो जाती और कभी ना होती थी ये लोग इस्लाम और मुसलिम की तरक्की की राह में रोड़े अटकाने से बाज नहीं रहते थे सूर तोबा में ही एक सूर तोहबा में ही मोमिनो साल गिर की तरफ इशारा के बाद आयत नंबर एक सौ एक में मुनाफिकीन का तस्करा किया गया है और जो तुम्हारे इर्द गिर्द सहराई अरब बस्ते हैं इनमें कुछ मुनाफिक हैं और ख़ुद मदीने के बाशिंदों में भी मुनाफिक मौजूद है जो निफाक पर अड़ गए हैं इसमें मशाक हो गए हैं ए रसूल आप इन्हें नहीं जानते लेकिन हम जानते हैं हम इनको दुनिया में दोहरी सजाएं देंगे फिर वो फिर वो बहुत बड़े अजाब की तरफ लौटाए जाएंगे बेशक इन तमाम गिरोहों ने पैगम्बर अक्रम का दीदार किया था और आ हज़रत के साथ मुसाहबत और माशरत रखते थे और इन में से बहुत सारों ने गजबों में शिरकत की थी और हम सह की जो तारीफ भी करें इन पाँचों गोहों पर साद आती है क्या ये क्या सब को अहल बैशत और पाकिज़ा शुमार किया जा सकता है क्या कुरान मजीद की सराहत के बाद ये मुनासिब नहीं है क्या हम राय अतदाल को अपनाएं औरहब को कुरान मजीद में बयानशुदा पाँच गिरोहों में तकसीम करें और इन में से नेक वा साहब के लिए इंतहाई एहतराम के कायलों और दीगर गिरोहों में से हर एक को इनके मकाम पर रखें और गुलू अफरा और तस्ुब से परहेज करें और इंसाफ के साथ कजावत करें नंबर आठ तारीखी गवाही तमाम असाब की कदामत के तत, अकीदे ने इसके तरफ दारों के लिए बहुत सी मुश्किल ईजाद की हैं इन अजीम मुश्किल में से एक तारीखी हक, एक तारीखी हकाइक हैं क्योंकि इनकी माओ इनकी मारूफ़ और मौरूद तारीखी कुतुब में हास्त की हदीस में बाद सहाबा की शदीद लड़ाई और जंग के तस्करें हैं ऐसी सूरत में ऐसी सूरत हाल में हम फरीक़ैन को आदिल सवाल और मुकदस शुमार नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये काम जिदैन के दरमियान जमा करना है और जिद्दैन के दरमियान जमा ना हो सकना एक वाज अ फ़ैसला है जिसका इनकार मुमकिन नहीं है जंग जमल और सिफ़ीन के अलावा के जो तला ज़ुबैर और माविया ने इमामी हज़रतलीम के मुकाबले में लड़ीं अगर हम हकायक से चशमपोशी ना करें तो हतमन जंग भड़काने वालों की गलतियों और जनाइतों का इतराफ़ करेंगे और इस सिलसिले में बहुत सी तारीख़ी शवाहिद मौजूद हैं इस मुख्तर किताब में हम सिर्फ तीन नमूनों पर इतफ़ा करेंगे नंबर एक इमाम बुखारी अपनी किताब सही में किताब तफसीर में मसला अफक के बारे में जोजह पैगम्बर के बारे में जो तहमत लगाई गई थी लिखते हैं कि एक दिन पैगम्बर अकरा मंबर तक पर तशरीफ़ ले गए और फरमाया ए मुसलमानों कौन इस शख्स को सजा देगा मकसूद अब्दुल्ला बिन सलूल था जो मुनाफीन का एक सरगाना था मुझे बताया गया कि इसने मेरी बीवी पर तहमत लगाई हालांकि मैंने अपनी बीवी में कोई ऐसी बात नहीं देखी सात बिन माज अंसारी मशहूर साहबी उठ खड़े हुए और अर्ज की मैं इसको सजा दूंगा अगर ये सजा दूंगा अगर ये औस कबीले से हुआ तो मैं इसकी गर्दन उड़ा दूंगा और अगर खजरत कबीले से हुआ तो जो हुक्म आप शादिर फरमाएंगे हम अंजाम देंगे सात बिन आबादा खजरत कबीले का सरदार के जो इससे पहले साले आदमी था कबायली तब की वजह से सात बिन मास को कहने लगा खुदा की कसम तुम झूठ बोल खुदा की कसम तू झूठ बोल रहा है तेरी इतनी ज़रूरत नहीं कि तू ये काम कर सके असीद बिन हुज़ीर सात बिन मास का चचाजात कहने लगा कि खुदा की कसम तू झूठा है यह शख्स मुनाफिकीन में से है हम इसे ज़रूर कत्ल करेंगे नज़दीक था कि कबीले औस खजर खजरज की आपस में जंग छिड़ जाए रसूल खुदा ने इन्हें खामोश कराया कि ये सब अफराद क्या ये सब अफराद साल सहाबी थे नंबर दो मारूफ दानिशमंद बलाजरी अपनी किताब अलंसाब में लिखते हैं कि साद बिन अभी वक़ास कोफे के वाली थे हजरत स्मान ने इन्हें माजूल कर दिया और वलीद बिन अकबा को इनकी जगह गवर्नर बना दिया अब्दुल्ला बिन मसूद इस दौरान बैतुलमाल के ख़जानादार थे जब वलीद कोफे में दाखिल हुए थे इसने अब्दुल्ला बिन मसूद से बैतलम की चाबियाँ तलब कं अब्दुल्ला ने चाबियाँ वलीद के सामने फेंकते हुए कहा कि खलीफा ने सुनत रसूल को तब्दील कर दिया है सात बिन अभी वक़ास जैसे आदमी को मौजूल करके वलीद जैसे आदमी को अपना जानशीन मुंतखब कर लिया है वलीद ने हज़रतमान को ख़त में लिखा कि अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला इबन मसूद आप पर तनकीद करता है खलीफा ने जवाब में लिखा कि इसे हुकूमत की निगरानी में मेरे पास भेज दिया जाए जब अब्दुल्ला इबन मसूद मदीने में वालद हुआ तो खलीफा मेम्बर पर थे जैसे ही इनकी नज़र अब्दुल्ला बिन मसूद पर पड़ी तो कहने लगे बुरा जानवर दाखिल हो गया है और वो बहुत बड़ी गाली दी और बहुत सी गालियां दी कलम जिन्हें लिखने से शर्म महसूस करता है अब्दुल्ला बिन मसूद कहने लगे मैं ऐसा नहीं हूँ मैं रसूल खुदा का साहबी हूँ जंग बदर और बैतुलर रज़वान में शरीक था हज़रत आयशा अब्दुल्ला की हिमायत के लिए उठीं लेकिन उस्मान का गुलाम अब्दुल्ला को मस्जिद से बाहर ले गया और इन्हें ज़मीन पर पटखा और इनकी पसलियाँ तोड़ दीं नंबर तीन बलाजरी अपनी उसी किताब इंसाबल अशराफ़ में नकल करते हैं कि मदीने के बैतलमाल में बाज़ बारारत और जेवरात हजरत षमान ने इन में से कुछ जेवरात अपने घर वालों को बख्श दिए जब लोगों ने देखा तो खुले आम इतराज़ शुरू कर दिया और उनके बारे में सख्त और घटिया बातें कहीं कहीं हजरत स्मान को गुस्सा आ गया और वह मंबर पर गए और खुतबे के दौरान कहा हम गायम में से अपनी ज़रूरत के मुताबिक उठाएँगे अगर अगरचे लोगों की नाक ज़मीन पर रगड़ी जाए इस पर हजरत अली अलीसम ने कहा कि मुसलमान खुद तुम्हारा रास्ता रोक लेंगे जनाब अमारे यासिर ने कहा सबसे पहले मेरी ज़मीन सबसे पहले मेरी नाक जमीन पर रगड़ी जाए इस बात की तरफ इशारा था कि मैं तनखीद से बात नहीं आऊंगा हजरत ऊस्मान को गुस्सा आ गया और कहने लगे तू ने मेरी शान में गुस्ताखी की है इसको गिरफ्तार कर लो लोगों ने जनाब अम्मार को पकड़ लिया और के घर ले गए वहाँ इन्हें इस क़दर मारा गया कि वो बेहोश हो गए इसके बाद इन्हें जनाब उम्मलमा जोजह पैगम्बर के घर लाया गए, लाया गया और वो इस वक्त बेहोशी के आलम में थे यहाँ तक कि इनकी जहर असर और मगरब की नमाज कजा हो गई जब इन्हें होश आया तो उन्होंने वजू करके नमाज अदा की और कहने लगे ये पहली बार नहीं हुआ कि हमें खुदा की खातिर अजियत आजियत आजार पहुंचाई जा रही है इन वाक़ात की तरफ इशारा था जिनका जा जमाने जहलीत में कुफार की तरफ से इन्हें सामना करना पड़ता था हम मरगज मायल नहीं है कि तारीख इस्लाम की इस किस्म के नागावार हवादिस को नकल करें तरसीम शुदा तरसीम अगर हमारे भाई तमाम और इनके तमाम कामों के तकदस पर असरार ना करते तो शायद इतनी मकदार के नकल करने की न, इतनी मकदार के नक़ल करने में भी मसलहत नहीं थी अब सवाल ये है कि रसूल अब सवाल ये है कि असाब रसूल में से तीन पाकिज़ा तरीन अफराज सात बिन माज अब्दुल्ला इबन मसूद और अम्मा यासर को गालियाँ देने और मारने पीटने की क्या तोज़ी हो सकती है एक बाज़मत सहाबी को इतना मारा जाए कि इसकी पसलियाँ टूट जाएँ और दूसरे को इतना मारा जाए कि बेहोश हो जाए और इसकी नमाजें कज़ा हो जाएँ क्या ये तारीख़ी हैं क्या ये तारीखी शवाहिद के जिनके नमूने बहुत ज़्यादा हैं हमें इजाज़त देते हैं कि हम हकायक से चश्म पोशी करें और कहें के तमाम मसाब अच्छे और इनके तमाम काम सही थे और एक सिपाही सहाबा के नाम से बना दें एक सिपा सिपाहीबा के नाम से बना दें और इनके तमाम कामों का बिला मशरूत दिफा करें क्या कोई भी अक्लमंद इस किस्म के अफकारारसंद करता है इस मुकाम पर फिर तकरार करते हैं कि रसूल खुदा के असहा में मोमिन सालेह और पारसा अफराद बहुत से थे लेकिन कुछ ऐसे अफरा भी थे जिनके कामों पर तनकीद करना चाहिए और इनकी तहलील करते हुए इन्हें अक़ल के तराजु पर तोलना चाहिए और इसके बाद इनके बारे में हुक्म लगाना चाहिए